मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोरोना को लेकर हुई राज्य की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी। पेट्रोल डीजल पर लग रहे टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ राज्यों को टैक्स घटाने की बात करते हैं, लेकिन सारा पैसा तो आप खुद ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमारा 97,000 करोड़ रुपये का बकाया है, लेकिन नहीं दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि हम 3 साल से 1 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, इसे बंगाल को 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं और राज्य सरकार को वैट घटाने की बात बोल रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमत तुरंत घटाने की मांग की। फर्स्ट टाइम एक हिंदी से बोली, उसका मेकानिज्म का साथ में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का जो भाव बढ़ा है डोमेस्टिक गैस, पूरा स्टेट को ऊपर में उन्होंने दे दिया कि स्टेट को ही कमाना है। स्टेट कैसे कमाएंगे, कमती करेंगे? आपने पूरा बढ़ा दिया, आपने कितना इनकम किया वो कभी देखा? आपने एक तरफा वन साइडेड जो बात कहा है देश का जनता को, वो टोटल मिसलीडिंग है, ठीक नहीं है, वो गलत है। आप बीजेपी का 5 स्टेट का बारे में अप्रिशिएट किया, और जिसको बारे में अप्रिशिएट किया उसको आप बहुत सारे रुपया देते हैं। बहुत स्कीम में हम लोग को जो रुपया मिलता है उससे ज्यादा 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 50% मोर रुपया आप उसको उनको देते हैं। तो उनका तरफ से 4,000-5,000 करोड़ रुपया देना है कोई बात नहीं है, वो 4,000 देते हैं तो आप उसको 40,000 देते हैं। आज जो स्टेट का नाम आपने बताया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, सबका बारे को में तो मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मैं जब तक तो मेरे को स्टेट का बात है, हम लोगों भी आपको पता होना चाहिए कि 3 साल में हम भी पेट्रोल का हर पेट्रोल पोती हम 1 रुपया करके कंसेशन देता है सब्सिडी, इसमें हमारा गवर्नमेंट को 1,500 करोड़ रुपया चला गया। आपने एक दफे भी नहीं बोला, आपने बोला क्या कि स्टेट को और देना चाहिए, आपको लेना चाहिए और स्टेट को देना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अपनी बढ़ाबेन और राज्य सरकार के बिक्री कर दिए टाका मेटाबे। आपका पास हमारा 97,000 करोड़ रुपया अभी बाकी है, 97,000 कोटी टाका हमने अपनार काछे पाबो, सेई टाका आपनारा आमादेर देन ना, आमाके 97,000 कोटी टाकार हाफ दिए दिन, देखुन आमि 3,000 कोटी टाका परेर दिन दिए दिच्छि। आमार दिते कोनो आपत्ति नेई, आमि चालाबो कोत्थेके? आपनारा जानेन एरा जे कथा बोले से कथा करे ना। राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टैक्सिंग 25% मोर कम्पेयर टू वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट ऑन पेट्रोल। सुनुन ओरा टैक्सेर टाका कत कलेक्शन करे, आमरा बोलेछिलाम 50-50 करो, सेंट्रल पार्क 50, स्टेट पार्क 50, सेंट्रल को दो 50% टैक्स का रेवेन्यू, स्टेट को मिलना चाहिए 50%, बट दे वर नॉट एग्रीड। ये तो हमको 75% तो उन्होंने तुल के ले जाता है, तो स्टेट कैसे चलेंगे, स्टेट कैसे चलेंगे, पूरा सब स्टेट का ऊपर दे दिया। अभी देखिए जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं उनको कहेंगे कि आप ठीक से देख लीजिए, आप स्टेट को ऊपर बोझा नहीं उतर के आप अपना पास थोड़ा देखिए। अपना पास क्या किया आपने, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन कितना किया? आप 2014 से प्राइम मिनिस्टर है, 2014 टू सितंबर 2021 आपने कितना रुपया कमाया इससे? 17,31,242 करोड़। प्लीज सी दैट मोदी जी इस टाइम 2014 टू सितंबर 2021 the total revenue collected by Modi government on petrol and diesel since it came to office, it is about
17,31,242 crores. क्यों किया? क्यों किया? ऐसे सब पब्लिक सेक्टर बेच रहा है, पूरा जनता का प्रोग्राम बंद कर दिया है, टैंक को बंद कर देता है, नोटबंदी किया है, क्या नहीं किया है? आज करने का बात भी आप स्टेट का ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और आपने खुद 17,3,242 crores आप ले लिया पब्लिक का पॉकेट से, खाली पेट्रोल और डीजल का ऊपर, मैं डोमेस्टिक गैस का बात नहीं कहा, मैंने टच नहीं किया, खाली पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी का इनकम हुआ है 17,17.3,242 crore, और आप स्टेट को बोलते हैं, आप कभी कभी कहते हैं स्टेट का पास इतना डेप्ट है, कितना डेप्ट है स्टेट का पास, अगर कोई स्टेट का पास अगर डेट हो जाता है तो डेट चलता ही है, लेकिन तब भी हम लोगों ने बहुत सारे डेट हम लोगों ने दे दिया, बहुत सारे डेट हम लोगों ने रिटर्न दे दिया, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना लोन लिया, कितना है कर्जा स्टेट का, अगर 3-4 लाख है एक करोड़, तो आपका है 150 लाख करोड़ का माफी, अपना बात तो थोड़ा कहो, लोगों को समझने दो, निजेर कथा बोलें ना, खाली बोलें स्टेट गवर्नमेंट एत लोन बाकी आछे, सीपीएम गवर्नमेंट लोन बाकी करे रेखे गेछे, आज पर्यंत तो एक एमप्लॉयजर माइनेओ आमी बंद करिनि, আর বাংলা একমাত্র স্টেট যেখানে আমরা সরকারি কর্মচারীদের পেনশন দিই, অন্য কোনো স্টেট দেয় না, মনে রাখবেন।